कैसे हो चार्ली? बड़े दिनों बाद फोन किया। देखो, मैं अपनी मामा की शादी की तैयारियों में थोड़ा बिजी था। अरे वाह, क्या बात है। तो मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी है? जो मेरी मामा की शादी में जाना है, तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे डॉग डॉलर को अपने घर में रख लोगे प्लीज? क्या, डॉलर को अपने घर? कर दिया है। अगर तुम भी मना कर दोगे तो मैं अपनी मामा की शादी में नहीं जा पाऊंगा। प्लीज उसे रख लो। अब क्या बताऊं चार्ली, मेरी ग्रैनी को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे डॉलर को अपने घर पे रखा ना, तो ग्रैनी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। कुछ ही दिनों की बात है, मैं अभी उसे तुम्हारे घर पर लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू ब्रो, बाय। अरे मेरी बात तो सुनो। अब ग्रैनी से कैसे पूछूं, ग्रैनी तो बिल्कुल भी हानि करेगी। ग्रैनी! Oh no! अरे ग्रैनी, आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? आपका मूड क्यों खराब है? अनुपमा देखने के लिए जैसे ही मैंने टीवी लगाया, ये डॉग वाली मूवी लग गई। अरे इस डॉग की मूवी को भी अभी आना था। तुझे तो पता है ना, मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं। ये एक नंबर के बुक्कड़ होते हैं और घर में गंदगी मचाते रहते हैं, और इनका खर्चा तो इंसानों से भी ज्यादा हुए है। तो डॉग फूटी आंख नहीं सुहाते, मुझे तो डॉग से एलर्जी है। अगर वो मेरे आसपास हो तो मुझे छींके लग जाती हैं। लेकिन ग्रैनी ग्रैंडपा, डॉग्स तो कितने क्यूट होते हैं ना। मान लो अगर मेरे डॉग पालने का मन करे सिर्फ एक दो हफ्ता, तो क्या आप मुझे अलाउ करोगे? देखो नहीं, उस डॉग से मैं तुझे भी उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। इस घर में डॉग लाने के बारे में सोचना भी मत। ओह नो। लेकिन ग्रैनी, यार डॉग से इतना चिढ़ते क्यों? बिटवा, एक बार मैं तेरे ग्रैंडपा के साथ डेट पर गार्डन में गई थी, मेरा कच्ची कैरी खाने का मन कर गया। जैसे ही तेरे ग्रैंडपा कच्ची कैरी तोड़ने लगे, उनकी पिछाड़ी में कुत्ते ने काट लिया। फिर वो कुत्ता जब मेरे पीछे भागा, तो पेड़ पर चढ़कर जान बचाई मैंने। पेट में इतने सारे इंजेक्शन लगे थे मुझे, वो दर्द मैं आज तक नहीं भूल पाया। अयो, इसलिए हम दोनों को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं। वी हेट डॉग्स। ग्रैनी ग्रैंडपा तो डॉग को रखने की परमिशन कभी नहीं देंगे, और चार्ली भी डॉलर को लेकर कभी भी यहाँ पर आता होगा। ओह नो। हाँ चार्ली, मैं डॉलर को लेकर आ गया हूँ। अरे तुम भर दो, मैं भी आता हूँ। ओके। चार्ली तुम आ गए? अब ब्रो मैं आ गया। मैं तुम्हें यहाँ पे बताने आया हूँ कि ग्रैनी ग्रैंडपा को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं डॉलर को यहाँ पे नहीं रख सकता। मत करो मेरे साथ, अगर तुम इसे नहीं रखोगे तो मैं अपनी मामा की शादी में नहीं जा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं डॉलर को यहाँ पे रख लेता हूँ। ये हुई ना बात। थैंक्स ब्रो। ब्रो मिलो मेरे डॉलर से। लेकिन जल्दी आने का ट्राई करना प्लीज। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये लो, इसमें डॉलर के खाने का सामान है, इसे टाइम पर दे देना, भूलना मत। बाय चार्ली। थैंक्स ब्रो। डॉलर आ जाओ। डॉलर। Oh no! वो डॉग के भौंकने की आवाज कहाँ से आई? ग्रैनी, वो ना। ग्रैनी, वो तो डॉग की मूवी आ रही है, वहीं से डॉग के भौंकने की आवाज आई। ओफो, जब से डॉग की मूवी देखी है ना, तब से चारों तरफ डॉग की आवाज सुनाई दे रही है। वही तो ग्रैनी, आपको डॉग पसंद नहीं है ना, इसलिए। जाना, जरूर आसपास में कोई डॉग है। देखो मुझे चींके लग गई है। बाबू पगला गए हो क्या? यहाँ पे कोई डॉग वॉग नहीं है। अगर नहीं है तो पूरे घर से डॉग की बदबू क्यों आ रही है बड़ा? ग्रैनी, ये किसी डॉग की नहीं, ये ग्रैंडपा की बदबू है। ग्रैंडपा की? हाँ, ये एक हफ्ते से जो नहीं नहाए। क्या बुढ़ाऊ, बिटवा का सच बोल रहा है? नहीं जाना, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, झूठा कहीं का। चुप कर बुढ़ाऊ, तेरी बदबू सारे घर में फैली हुई है। चल मैं तुझे रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ। नहीं जाना, जाना मैं नहा चुका हूँ, मेरी बात तो सुनो। डॉलर, डॉलर अगर तुम्हें हमारे घर में रहना है ना, तो एकदम चुपचाप से रहना होगा, क्योंकि मेरे ग्रैनी ग्रैंडपा को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरी ग्रैनी को तुम्हारे यहाँ होने की जरा सी भी भनक लग गई ना, तो वो तुम्हें बारबेक्यू करके खा जाएगी। तो एकदम गुड बॉय बनकर यहाँ पर रहना। बिटवा, बिटवा, ग्रैनी, बिटवा, तू किससे बातें कर रहा था? किसी से भी तो नहीं। मैंने तुझे किसी से
बात करते सुना था। बता तू तो किससे बातें कर रहा है? अरे मैं तो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। रुको आपको भी सुनाता हूँ। Who let the dogs out? Boo! समझ गई, बहुत रात हो चुकी है, जाकर सो जा। अब गाना वाना बंद करो। गुड नाइट। ओके ग्रैनी, गुड नाइट। ये डॉलर तो मुझे फंसा के रहेगा। अरे कहां से आवाज आ रही है? अरे रो मत, ग्रैनी ग्रैंड पा उठ जाएंगे। रुको रुको, तुम्हें भूख लगी है क्या? पानी पीना है तो फिर लगता है इसे जोर के लगी है, बाहर ले जाना पड़ेगा। चलो 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 चलो। शुक्र है ग्रैनी ग्रैंड पा सो रहे हैं, बाहर डॉलर को फ्रेश होने के लिए लेकर जाता हूँ। कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। जी आपने घर में कुकुर पाला है का? मगरू भाई ये ना चार्ली का डॉग है, वो कुछ दिनों के लिए ना इसको हमारे पास छोड़कर गया है। इसके बारे में ना ग्रैनी ग्रैंडपा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको पता चला ना तो वो इसके साथ साथ मुझे भी इस घर से बाहर निकाल देंगे। टेंशन मत लीजिए भैया जी, ये बात हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगी। थैंक यू थैंक यू। वैसे भैया जी हमको भी कुकुर बहुत पसंद है, दे आर सो क्यूट। मुझे भी मगरू भाई, लेकिन क्या करें, ग्रैनी ग्रैंडपा को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो डॉग को घर पे बिल्कुल नहीं रखना चाहते। फिकर नॉट भैया जी, ये जब तक यहाँ पर है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओह हाउ स्वीट। अरे डॉलर वहाँ पर मत करना, चलता हूँ मगरू भाई। भैया जी सी यू। ओके टेक केयर बाय। बर्तन धो के थक गई, अब रेस्ट कर लेती हूँ। अरे ये क्या है? ओह नो। ए यू बेटा जल्दी इधर आ। क्या हुआ ग्रैनी? ये डॉलर बिना कहीं पे भी शुरू हो जाता है। ग्रैनी ये यहाँ पर कैसे? जानने के लिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है कि ये किसकी हरकत है। ग्रैनी ये ना जरूर ग्रैंडपा की हरकत होगी। तो तूने ठीक कहा, 10-10 लोगों का खाना जिनावरों की तरह ये बुढ़ऊ अकेले ठूस जावे है, उसके बाद इस बुढ़ऊ का पेट डगमगा जावे है, राक्षस कहीं का। अरे क्या हुआ ग्रैनी? मेरे ड्रेसेस का ये हाल किसने किया? ओह नो। मैंने बड़े शौक से ये ड्रेस खरीदी थी, मेरी ड्रेस का ये हाल किसने किया? ग्रैनी मुझे नहीं पता ये किसने किया। हाँ ग्रैनी हमारे घर में ना चूहे बढ़ते जा रहे हैं, जरूर उन्होंने ही कुतरा। पार्टी के लिए जो मैंने नए शूज खरीदे थे वो किसने फाड़ दिए? बाबू ये शूज तो तुमने पार्टी के लिए खरीदे थे। वही तो ग्रैनी, अब हम क्या कर सकते हैं, लगता है अब घर में चूहे दानी रखनी पड़ेगी। जानो पार्टी के लिए नए कपड़े लेने चलते हैं। हाँ जाना जल्दी चलो, पार्टी तो कल है। बिठवा हम थोड़ी देर में आते हैं। ओके ग्रैनी। ये डॉलर भी ना। वाह ग्रैंडपा क्या मैच आ रहा है, वाह। डर करते वक्त फीफा देखने का मजा ही कुछ और है। बिठवा तूने अच्छा किया जो तू टीवी इधर लेकर आ गया। देखना आज तो मेरी फेवरेट टीम ही जीतेगी। ओह नो। अरे डॉलर यहाँ क्या कर रहा है? अब तो मैं फंस गया। ओह नो। शुक्र है ग्रैनी ग्रैंडपा मैच देखने में बिजी है। जब तक गोल नहीं होगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अरे मेरे नगेट्स कहाँ गए? ब्रो मैच देखते देखते तू खुद ही ठूस रहा है। जाना मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नगेट्स नहीं खाए। एक हफ्ते से इस लड़के ने मुझे अपने कमरे की सफाई नहीं करने दी, आज तो मैं सफाई करके ही रहूंगी। ये डॉग यहाँ पे कहाँ से आया? इस डॉग को मैं नहीं छोड़ूंगी। ओह नो। चलो अब डॉलर को छुपके से इवनिंग वॉक पर लेकर चलता हूँ। नो। डॉलर डॉलर, अरे यहाँ पर तो डॉलर की सिर्फ लीश पड़ी हुई है, कहीं डॉलर ग्रैनी ग्रैंडपा के हाथ तो नहीं लग गया? ओह नो। अरे
खा भी चुके होंगे। अब क्या होगा? मैं चार्ली को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसे क्या जवाब दूंगा? अरे डॉलर तो बिल्कुल ठीक है। ग्रैनी, ये डॉग हमारे घर में कैसे आया? बेटा ज्यादा एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सच बता, ये डॉग यहाँ क्या कर रहा है? अरे ग्रैनी, मैंने आपसे ये बात छुपाई, ये डॉग ना चार्ली का है। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया तो उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी थी, और आप डॉग को घर पे रखने नहीं देते, इसलिए मैंने इसे आपसे छुपा के रखा था। पहले ही सच बता देता तो तुझे झूठ बोलने की नौबत ही ना आती। ग्रैनी, अगर मैं आपसे पूछता तो आपने साफ मना कर देना था, लेकिन आपको तो डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो ये अभी तक कैसे सेफ है? वैसे तो मैं इसे खाने ही जा रही थी, पर इसने मुझे इतने प्यार से देखा कि मेरा दिल पिघल गया। कितना क्यूट है ये, अब तो ये मेरे कमांड्स भी लेने लगा है। बेबी सिट डाउन। बिटवा, इससे मिलने के बाद डॉग्स के लिए मेरी नफरत खत्म हो गई है। ये है ही इतना क्यूट, मैंने कहा था ना डॉग्स प्यारे होते हैं। अच्छे जाना, ये डॉग हमारे घर में क्या कर रहा है? जल्दी से इसे घर से बाहर निकालो, बाहर निकालो। चुप कर बुढ़ाओ, अब डॉलर यही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आई बात समझ में? अगर तुम इसे बाहर नहीं निकालोगी तो मैं इसे लात मार के बाहर निकाल दूंगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। तेरी हिम्मत कैसे हुई डॉलर के बारे में ऐसा बोलने की? तेरी तो चार्ली से लेने कब आने वाला है? बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। जब तक चार्ली नहीं आ जाता तब तक हम डॉलर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ ग्रैनी। चल डॉलर, घूमी घूमी करने चलते हैं, उसके बाद मैं तुझे मस्त डिनर खिलाऊंगी।